ata pono mama na barbana. Pes mama barbana. Naka ma naka dia no puto kati chetan se iye. Hundarman Pakistan ke andar mein 71 tak tha, fir 7 din ka war hua. उसके बाद आठवें दिन इंडिया ने यहाँ पे कब्जा किया. कब्जा करने के बाद तब से इंडिया यहाँ पे. इधर हिंदुस्तान पहुँच गया था, इधर पाकिस्तान था, बीच में हम यहाँ रह गया था. मेरा फूफी, वालिद साहब, चाचा, दादा, बुआ 71 की वार में पाकिस्तान में ही रह गए. मेरा नाम मोहद इलियास अंसारी, मैं हुंदरमान ब्रोक का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे 2017 से मिशन चला रहा हूँ. कारगिल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव हुंदरमान ब्रोक बॉर्डर का लास्ट गांव और ये रोड जाकर हुंदरमान में ख़त्म हो रहा है. मुझे बचपन से फोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ था तो मेरे को यहाँ पे पुराना सामान दिखा तो उसका फ़ोटो खींचा मैंने. फिर मैं कारगिल में पढ़ने के लिए गया, वहाँ मुझे कुछ लोग मिला तो हमने साथ मिल के ये म्यूज़ियम बनाया. हम यहाँ पे म्यूज़ियम इसलिए खोलना चाहता था कि यहाँ से ड्यूएड फैमिली आगे था पाकिस्तान के अंदर में. ख़ुद मेरे चाचा जी था, उनका यहाँ पे सामान बोरी बिस्तरा सब कुछ यहाँ पे था तो उनका यादें रखने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया कि ताकि आके लोग देखे, फिर हमको तसल्ली मिले कि हमारे यहाँ पे कोई था. हमने जब म्यूज़ियम बनाया तो मेरी चाचा की बक्सा खोला तो ये सब सामान था. इनमें एक चीज़ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक परफ्यूम को बदले. मैंने तो आम परफ्यूम सोचता था. मैं तो यहाँ पे एक टूरिस्ट ने बताया था उस टाइम भी इतना महंगा परफ्यूम यूज़ होता था. मेरे को अच्छा फ़ख्र से महसूस हुआ कि मेरी चाचा भी अच्छा परफ्यूम यूज़ करता था. तो यहाँ पे अलग अलग सामान है, फ्रांस कॉफ़ी, एस्प्रो, सिंगार मशीन ऑयल, ये फाजेट बॉक्स सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ से कुछ यादें जुड़े हैं. इलियास जैसा हमारे रिश्तेदार है उधर करंची में है, इसकार्डो में है, इतना दूर है जगह में है वो लोग. याद तो आएगा ना, फिर क्या करेंगे? याद नहीं आकर याद तो आएगा ना, फिर क्या करेगा? अभी कुछ मिलता नहीं है. मैं अच्छा सी हूँ, घर चिपो खेला सब मैंने नाथ पात पाना ऐसी चब आम चिपो से सीना चिपो खेला एरा मैंने बस मैं दे फुटू कटे और यार नहीं फोनों नहीं यहाँ जहाँ मत यहाँ लगते हैं दोपहर नहीं लगते. बस हमारे सामान तो तमाम उधर रह गया ना, पुराना सामान. फिर क्या है, हाँ ये कुरान तो हमारे साथ लेकर आया था. जी हाँ, सामान तो लूटे खान पो या मचात इतु यों मिमीना या मिजिम ची चक्ते पैसे इंतु. हाजी गुलाम ये है तो इसका 2005 में इंतकाल हुआ. वहाँ पे कोई रिश्तेदार रिश्तेदार कुछ भी नहीं था तो ये अकेला गुजर गया पाकिस्तान में इस कर्दों में.
मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी चाचा मेरे दादा से मेरे बच्चे लोग नहीं मिला उनकी सामान के थ्रू उनकी जो यादें हैं यहाँ पे फोटो है यहाँ पे पासपोर्ट है उनके थ्रू हमारे बच्चे हमारे दादा को हमारी चाचा को याद कर सकते वो सोच के मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली मिल रहा है तो मेरा ये इच्छा ये है कि मेरी आने वाली जो नस्ल तो एक तो उनको फ्रॉड जैसा होगा कि हमारे वालिद साहब ने हमारे परदादा ने इतना अच्छा म्यूज़ियम बनाया तो एक तो वो फ़ख्र होगा दूसरा आगे उनको चलाने का रास्ता जो मिलेगा तो अभी यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये म्यूज़ियम खोला मेरे बच्चे भी आगे चलाए और गाँव का आमदनी बढ़ाए एक्चुअली ये सब म्यूज़ियम की तरह ही है यहाँ पे आएगा तो आपको पूरा गांव म्यूज़ियम जैसा ही दिखेगा लाश खत जो हाँ ये है मेरे चाचा ग़ुलाम हुसैन का तो ये मेरे भाई पहनेंगे अली मोहम्मद तो तफसील में बताएंगे आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहतरम व मुकर्रम जनाब भाई हसन साहब बाद सलाम बंदा शहर स्कर्दों में बिल्कुल खैरियत के साथ तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ आज मिले आज खुदा कल मिले कल खुदा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं अगर हो सके तो ख़त व किताबत का सिलसिला जारी रखें शुक्रिया आपका भाई ग़ुलाम हुसैन अस्करदो